नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल और आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव नगर एक्सटेंशन, जो कि पवाना विधानसभा के अंदर आता है। एक ऐसी विधानसभा जहाँ आपको गंदगी, सीवर का पानी, कूड़ा और हर परेशानी की चीज छप्पर फाड़ के मिलेगी। यहाँ लोगों का वो हाल है जो कि यहाँ के लोग नर्क से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। यहाँ आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर में सो नहीं सकते, आप खाना नहीं बना सकते। आखिर क्यों नहीं बना सकते, वो रीजन मैं आपको दिखा देती हूँ। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये पानी, यहाँ पर ये मेन सड़क है, यहाँ तो पानी फिर भी थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप थोड़ा और अंदर जाएंगे तो घुटने तक आपके यहाँ पानी पहुंच जाएगा। निगम पार्षद और विधायक गहरी नींद में सोए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी विधानसभा में, उनके वार्ड में क्या हो रहा है। ऐसे में लोगों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कोरोना काल से देश जूझ रहा है, ऊपर से ये गंदगी, ये पानी। ऐसे में मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और भी न जाने कितनी बीमारियां फैलने का खतरा है। और सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं यहाँ की मैं एक आम निवासी हूँ राजीव नगर की। मैंने तो बहुत बारीक से देखा है वार्ड नंबर 33 को, और मेरे पति एक समाज सेवी है। वायरस, बैक्टीरिया तो हर जगह घूमते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बाहर पानी है तो बाहर ही रहेगा, वो तो घर में भी जाएगा। तो इसलिए महिलाओं की समस्या को तो कोई, वो खुद एक महिला है जो जीती हुई है, एक बार उनको पूछे कोई, एक बार आप छोटा सा दिमाग पे जोर डाल के बताओ। आप खुद महिला और ये कैसे माहौल में रह रहे हम, जब हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए सोचना चाहिए, समाज को बढ़ाना, आज हम इसके लिए लड़ रहे हैं। क्या चीज है ये, किसके लिए? अनुजी आप क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार को लोगों ने बहुत सपने संजो कर लाए थे, लेकिन आज उसी दिल्ली सरकार से लोग बहुत परेशान हैं। दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, दोनों सरकार से लोग बहुत परेशान हैं। ना हमारा एमपी कुछ कर रहा है, ना हमारा विधायक कुछ कर रहा है, ना हमारा पार्षद कुछ कर रहा है। कर रहा है तो हमारे क्षेत्र में कोई समाज सेवी भाई है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, मिलजुल के एक दूसरे की मदद हमारे जनता कर रही है, नेता नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन दिल्ली सरकार तो कह रही है कि स्कूलों के जो हालात है वो सुधार रहे हैं, देश के जो दिल्ली के हालात है वो सुधार रहे हैं, लोगों का या दिल्ली के निवासियों का विकास कर रहे हैं। देखो, अगर उन्होंने कुछ किया है तो बताने की जरूरत नहीं है, जनता देख रही है। हमारे बीच में हम पानी में खड़े हैं, सरकार क्या एक साल से मुद्दा उठा रखा है, क्या उनको दिख नहीं रहा? आप चौथी पांचवी बार पानी में आ चुके हैं इस जनता में, और आप ये वीडियो ज्यादा भी रहे होंगे, आपके वीडियो विधायक ये आम आदमी वाले भी देखते होंगे, कांग्रेस वाले भी देखते होंगे, एमपी वाले भी देखते होंगे। क्या वे उनके आंख फूट रही है? अब उनके मिर्ची डाल रखी है, अब उनको पानी दिखाई नहीं देता, उन्हें सिर्फ पैसे पैसे दिखाई देते हैं, बजट बनाते हैं, खा जाते हैं, धरती पे कुछ नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार तो हर साल अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करती है जिसमें उनके किए हुए विकास के काम होते हैं। बच्ची झूठ बोल रहा है, मार्केट में कुछ नहीं है, झूठ की दुकान है, जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उतनी ज्यादा वोट पाएगा। हकीकत यह है, जितने झूठे सपने दिखाएंगे उतना ही मोटा काम होगा। तोमर सेवा समिति आखिर जल समाधि लेकर, सत्याग्रह लेकर बैठ गई है, आगे अब भी अगर आपकी नहीं सुनी गई, अगला कदम क्या है? अगला कदम जी, आज मेरे पास यहाँ हजारों भाई इकट्ठे हैं, पूरी मार्केट से लोग हैं, आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर आज ये आवाज नहीं उठी तो 5 साल बाद, 5 महीने बाद चुनाव भी है, इनके नेता भी आएंगे। मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, ये जनता ना पकड़ पकड़ के, रुआ रुआ के, इसी नाली में डुबा डुबा के मारेगी। क्योंकि जब संकट में थे, जब वे अपने घरों में एसियों में थे, जब उनको बुला रहे थे, जब वे नहीं आ रहे थे, अब ये कह रहे हैं हमारा विधायक हमारे द्वार, सब गांव में दौरा करें, हमारे वार्ड में आ जाओ ना विधायक, एक बार स्वागत करेंगे हम उनका, हम दिल से स्वागत करेंगे, हमारी समस्या सुनने तो हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं आशीर्वाद यात्रा, सूखे में आशीर्वाद यात्रा, आशीर्वाद लेना है, वोट देनी है तो पानी में आइए। उनका भी एमपी है, उनका भी मापो है, हम आम आदमी को पूरा दोषी नहीं ठहराएंगे, दोषी दोनों सरकार है, चाहे उसमें आम आदमी हो चाहे उसमें बीजेपी हो, इस जनता को डुबाने में दोनों सरकार का हाथ है। आज जल सत्याग्रह किया जा रहा है, क्या खास उद्देश्य है? देखिए, ये जो जल सत्याग्रह जो किया है आज, ये इसलिए किया है कि आप एक बार इस कॉलोनी को अंदर जाकर के देखें, इसका हाल, कई कई फुट पानी खड़ा है, और जिस रास्ते पर हम बैठे हैं ये खाली एक ही रास्ता बचा है इसका अंदर जाने का, चारों तरफ के रास्ते बंद हैं, चार चार पांच पांच फुट पानी खड़ा है, लोग यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया, लोग अपने दरवाजे को अपने को ताले लगा लगा करके मकान को बाहर जा रहे हैं, छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी के जितने वर्कर हैं सारे गली गली घूम रहे हैं, सारे जा करके देख रहे हैं, लोगों के हालात पूछ रहे हैं, यहाँ ना तो किसी एमपी का पता, ना यहाँ किसी विधायक का पता,
और ना यहाँ किसी काउंसलर का पता, किसी का भी तो नहीं पता, कोई यहाँ जाकर के किसी के बारे में पूछता नहीं। बर्बाद कर दिया इस अनऑथराइज कॉलोनी को। अभी पीछे जो इलेक्शन हुआ था उसमें इतने बड़े बड़े वायदे कर रहे थे कि हम इसमें 600 करोड़ रुपया लगाकर इसका जो है कायाकल्प कर देंगे। ये है वो 600 करोड़ रुपया जो आदमी बनता हो, कम से कम उसको आकर के बचा तो लो, कम से कम इस पानी को निकालने का कोई रास्ता तो बता दो। सरकार है ये सर, विधायक को जो फंड मिलता है लोगों की सेवा के लिए, लोगों के विकास के लिए, वो फंड का फिर वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वो तो उनसे पूछो ना, उनसे पूछो। अगर जब से विधायक बना है इस अनऑथराइज कॉलोनी में अगर कोई एक गली भी बनी हो, कोई एक सड़क भी बनी हो, जो कांग्रेस के टाइम में सड़कें बनी थी, अरे कम से कम उसका चौकीदारा कर लेते, उसको रिपेयर तो कर लेते। आपने जो हल्ला बोल रखा है, उस हल्ला बोलने का क्या एक नजरिया ये भी है कि इलेक्शन आने वाले इसीलिए? नहीं, ये कोई इरादा नहीं है। हल्ला हम इसलिए बोल रहे हैं कि इन लोगों की वजह से हम MLA रहे हैं। ये लोग जो है, जो ये आज ये बैठे हैं, ये परेशान है। तो हमारा तो एक मकसद है कांग्रेस पार्टी के वर्करों का कि ऐसी दुख की घड़ी में अब उनके पास जाकर के उनका हालचाल पूछें, उनको कोई जरूरत हो वो चीज उनसे मुहैया कराएं। तो हमारा ये मकसद है, हमारा इलेक्शन का मकसद नहीं है। मैं ये कहता हूँ इलेक्शन तो उनका भी है, वो क्यों नहीं आकर के पानी में बैठ जाते, क्यों नहीं हमारी की तरह जाकर के गली गली में लोगों के हालचाल पूछते? और वो तो यहाँ तो कोई आया नहीं आज तक, ना कोई MP आया, ना कोई MLA आया। अरे काउंसलर तो यहीं का है, काउंसलर ने तो कम से कम आ जाना चाहिए। लेकिन सर काउंसलर का तो ये कहना है कि यहाँ के लोगों ने उन्हें वोट ही नहीं दिया। फिर वो ऊपर से वोट पड़ गई सारी की सारी, एक ही कॉलोनी, एक ही छोटा सा वार्ड है, अगर ये वोट ना देगा तो वोट कहाँ से पड़गी उसको? ये लोग जीतने के बाद ऐसा ही करते हैं। अब इनकी पोल पट्टी खुल गई है, लोगों ने मन बना लिया है कि जैसे कांग्रेस यहाँ पहले काम करती थी, हम तो अगली दफे कांग्रेस को जिताएंगे। लोग तो इतने तैयार हैं, कह रहे हैं कि अगर वो कोई लीडर यहाँ बढ़ गया तो हम जूते भी मारेंगे उनको। अगर अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो तो अगला कदम क्या होने वाला? अगला कदम ये होगा, पूरी कॉलोनी को लेकर के केजरीवाल के घर के बाहर बैठ जाऊंगा। सर यहाँ पानी से त्राहिमाम हो रही है, सभी के घर डूब रहे हैं, खाना बन नहीं रहा, 30% मकान गिर चुके और कम से कम 35 लोगों के चोट आ चुकी। यहाँ की जनता तुझे बद्दुआ दे रही है, तेरा सर्वनाश होगा, तेरे कीड़ा पड़ेंगे, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ की जनता इतनी बद्दुआ दे रही है और हम भी बद्दुआ दे रहे हैं और इस लेटरिन के पानी में हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ डेली जनता त्राहिमाम कर रही है, डेली के डेली बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल। तो आप ये यहाँ इतने गंद में रहने के लिए क्यों मजबूर हैं? ये मजबूरी यूँ है कि हम मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं सभी लोग। जिन्होंने एक झोपड़ी बनाई हो तो वही उसका बहुत बड़ा आशियाना है, वही उसका महल है। अब हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम यहाँ छोड़ के कहीं रोनी में रहे, यहाँ अशोक विहार में रहे, रहने के लिए नहीं। हमारी मजबूरी है कि हमारे MLA विधायक जो यहाँ पे पानी है, हम उनके पास हजार बार डिमांड कर चुके हैं। ये बारिश का पानी नहीं है, नालों का पानी है। नाले की सफाई के लिए भी हम कई बार जा चुके हैं लेकिन उनके सर पे कोई जूनी रेंग रही है ना, उन्हें कोई दिखाई देता है। एक बार उनके घर पे भी गए थे, उन्होंने पुलिस केस करके हम लोगों को पकड़वा भी दिया था। हाँ जी, जो लोग उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ पुलिस केस कर देते हैं। आज सुरेंद्र कुमार जी ने पुतला अपने हाथ में थाम लिया, मुख्यमंत्री को, विधायक को, निगम पार्षद को, अब इंटरेस्टी के लिए बैठे आगे चल रहे। सुरेंद्र कुमार जी ने माची से तिल्ली निकाल लिया है और मुख्यमंत्री विधायक पार्षद के पुतले में आज निकले जा रहे हैं। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, क्या बरसात उर्द मुर्दाबाद, सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद, सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद।